दोस्तों, हमला और बचाव नामक दो क्रिया जंगली जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। देखा जाए तो अपना बचाव करना हमले से भी ज्यादा जरूरी होता है, और इसके लिए अलग अलग जानवरों को प्रकृति ने अलग अलग प्रकार की खूबियां दी हैं। जैसे कि कछुए को अपना बचाव करने के लिए मजबूत खोल मिला हुआ है। ये कछुए अपने खोल में अपनी गर्दन और पैरों को छुपा लेते हैं, उसके बाद इनका शिकार किया जाना आसान नहीं होता। हालांकि किसी मगरमच्छ का ताकतवर जबड़ा कछुए के खोल को भी तोड़ डालता है, किंतु फिर भी कछुए का ये मजबूत खोल उसे मिला प्रकृति का एक बेशकीमती तोहफा ही है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही विशेष गुणों के बारे में जानते हैं जो गुण प्रकृति ने अपनी रक्षा के लिए विभिन्न जीवों को प्रदान किए हैं। मजबूत कवच। दोस्तों, मजबूत खोल सिर्फ कछुओं के ही पास नहीं होता, बल्कि कई अन्य जीव भी ये विशेष गुण रखते हैं। कई तरह के घोंघे और केकड़ों के पास भी बेहद ही कठोर कवच होता है। ये कवच इन जीवों के लिए सिर्फ उनकी रक्षा का ही सामान नहीं होता, बल्कि उनके लिए उनके घर के ही सामान होता है। ऐसा घर जो ना सिर्फ इन जीवों की रक्षा करता है, बल्कि इन्हें बारिश और अन्य प्रकार के खराब मौसम से भी बचाता है। खोल में रहने वाले ये जीव अपने खोल से बाहर जीवित नहीं रह पाते। कई बार खोल के हट जाने के बाद ये जीव इंसानी वस्तुओं को भी खोल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ इस वीडियो में देखिए, यहाँ ये केकड़ा एक गुड़िया के सर को ही अपने खोल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आर्मडिलो नामक प्राणी, जो मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, अचानक से खतरा पाते ही बोल जैसी आकृति धारण करते हुए अपने मजबूत कवच में छुप जाता है। माना जाता है कि ये कवच इतने मजबूत होते हैं कि छोटे रिवॉल्वर की गोली तक को झेल सकते हैं। वहीं मगरमच्छ की कमर की त्वचा भी बेहद ही मजबूत कवच के समान होती है। जहां एक और किसी वाइल्डबीस्ट या जेबरों के खुरों के एक ही वार से कोई शेर भी परलोक पहुंच सकता है, वहीं दूसरी ओर मगरमच्छ की मजबूत त्वचा पर ये खुर बेअसर ही रहते हैं। अपने मजबूत कवच के दम पर ही मगरमच्छ छुपकर बड़े ही आसानी से मजबूत खुरों के वार को झेलते हुए भी शिकार कर लेता है। शाही एक अन्य जीव है जिसके ऊपर कांटों का कवच होता है, जिस वजह से इसे मार डालने की कोशिश करना किसी भी जीव के लिए बेहद जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि शाही के नुकीले कांटे हमला करने वाले जीव को जानलेवा जख्म दे सकते हैं। रंग बदलना। दोस्तों, कई सारे जीव अपने विशेष गुणों के कारण अपने आसपास के माहौल में खो से जाते हैं। इनका रंग इस प्रकार का होता है कि इन्हें इनके निवास स्थान पर पहचान पाना करीब करीब नामुमकिन सा ही कार्य है। सिर्फ रंग ही नहीं, कई जीव तो अपने आसपास के माहौल में घुलने के लिए और भी खास प्राकृतिक गुण रखते हैं। उदाहरण के लिए इस लीफ टेल्ड गेको को देखिए। इस छिपकली का न सिर्फ रंग बल्कि आकृति भी बिल्कुल सूखे पत्तों के ही समान है, जिस कारण ये सूखे पत्तों में दिखाई नहीं देती। इस छिपकली के छुप जाने की ये कला ना सिर्फ इसकी रक्षा करती है, अपितु ये इसी तरह से छुपे रहकर आसानी से कीटों का शिकार भी कर लेती है। टिड्डे भी अपने आसपास के माहौल में खो से जाते हैं। कई प्रकार के टिड्डे हूबहू पौधों की शाखाओं जैसे ही दिखाई देते हैं। वहीं तितलियों को भी अपने पंखों पर बनी विशेष आकृतियों के कारण फूल पत्तियों पर बैठे हुए देख पाना शिकारियों के लिए कड़ी चुनौती होती है। दूसरी ओर गिरगिट जैसे कुछ जीवों में रंग बदलने की अद्भुत क्षमता छुपी हुई है। यदि कोई गिरगिट हरे भरे स्थान पर रहने लगता है तो हरा रंग ही धारण कर लेता है। वहीं सूखी घास में रहने वाले गिरगिट पीले रंग के हो जाते हैं। ऐसा करते रहने से ये गिरगिट जल्दी से हमलावर की पकड़ में नहीं आते। आकार में बदलाव। दोस्तों, रंग बदलने की क्षमता सभी जीवों में नहीं होती। ऐसे ही कुछ जीवों ने खुद की रक्षा के लिए एक नया तरीका खोज लिया है, जो है आकार में बदलाव। पफर फिश या ब्लो फिश दुश्मन को सामने पाते ही भारी मात्रा में अपने भीतर हवा और पानी भर लेती है, जिस वजह से ये बेहद ही मोटी और बोल जैसी दिखाई देती है। यानी अब शिकारी द्वारा इसे गले से नीचे उतार पाना उतना आसान नहीं रहता, इसलिए शिकारी इस मछली को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। वहीं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक बेहद ही अनोखी छिपकली पाई जाती है, जिसे फ्रिल्ड लिजर्ड कहा जाता है। करीब 2 से 3 फीट लंबी हो जाने वाली ये छिपकली बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती, किंतु इसके गर्दन के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। सामने खतरा दिखते ही ये छिपकली अपनी झिल्ली को फैला देती है, जिस वजह से ये काफी खतरनाक और तगड़ा जीव दिखाई देती है। अपनी झिल्ली को फैलाकर शिकारी को डराने की फ्रिल्ड लिजर्ड की ये अद्भुत कला अक्सर कामयाब होती है और इसके शिकारी भाग जाते हैं। इस छिपकली में एक और खासियत भी है, ये अपने पिछले 2 पैरों पर बेहद तेज गति से दौड़ सकती है। माना जाता है कि छिपकली दौड़ते समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल कर लेती है। उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली ये सींगनुमा छिपकली खुद के बचाव का एक अनोखा ही तरीका अपनाती है। ये छिपकली अपने दुश्मन को देखते ही अपने दिमाग में खून का दबाव इतना अधिक बढ़ा लेती है कि वो खून इसकी आंखों की पुतलियों में से एक विशेष स्थान को फाड़ते हुए पिचकारी के रूप में तेजी से बाहर निकलता है। खुद के बचाव का ये तरीका बड़ा ही विभत्स प्रतीत होता है, किंतु इस छिपकली के रक्त में एक विशेष रसायन पाया जाता है, इसलिए जैसे ही सींगनुमा छिपकली की आंखों से निकला ये रक्त
हमलावर जानवर के ऊपर गिरता है तो इस रसायन के प्रभाव से हमलावर जीव के शरीर पर मिर्ची जैसी जलन होना शुरू हो जाती है और हमलावर मौकाए वारदात से भाग खड़ा होता है। वहीं अफ्रीका में पाया जाने वाला स्पिटिंग कोबरा न सिर्फ अपने जहरीले दांतों से अपने शिकार को काटता है बल्कि अपने दांतों से काफी दूर तक जहर फेंकने में भी सक्षम है। ये सांप बेहद ही होशियारी से बिल्कुल स्टीक निशाना लगाते हुए अपने जहर को दुश्मन की आंखों पर दे मारता है, जिस वजह से थोड़े समय के लिए सांप का शिकार करने आया इसका दुश्मन अंधा हो जाता है। भारत में पाया जाने वाला मोनोकल कोबरा भी थोड़ी दूर तक जहर फेंकने में सक्षम होता है। कई प्रकार के बिच्छू भी अपनी लंबी पूंछ से तेजाब छिड़क सकते हैं। इस तेजाब के त्वचा पर गिरने से भयंकर जलन होती है। कोई छोटा जीव तो बिच्छू के तेजाब के छिड़काव से तुरंत गलकर मारा जाता है। का नाटक दोस्तों, पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए प्रकृति ने कोई अनोखी विशेषता नहीं दी। ऐसे मजबूर जीवों ने अपनी जान बचाने के लिए मरने का नाटक करना ही सीख लिया। होगनोज एक ऐसा ही ड्रामेबाज सांप है। भले ही इसके पास जहर न हो किंतु ये अच्छे अच्छे जीवों को मूर्ख जरूर बना देता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो पहले यह फुंकार कर धमकी देता है और फिर अपना फन फैलाकर खुद को जहरीला कोबरा दिखाने की कोशिश भी करता है। किंतु जब इसे लगने लगता है कि इन सब चालों से काम नहीं बनने वाला तो होगनोज मरने का अलग ही ड्रामा शुरू कर देता है ताकि इसका दुश्मन इसे मरा हुआ समझकर छोड़ दे। ओपोसम भी एक ऐसा ही जीव है। खतरे को देखते हुए ये जीव अपनी हृदय गति और श्वास गति को बेहद ही धीमी कर लेता है और मरने का अभिनय शुरू कर देता है। मरने के अभिनय के साथ साथ ओपोसम बेहद ही बुरी बदबू भी छोड़ता रहता है। इसकी इस बदबू के कारण कोई जीव इसके आसपास नहीं टिक पाता और हमला करने आया जीव जल्द ही ओपोसम को छोड़कर चला जाता है। मरने का नाटक करता हुआ ओपोसम अपने आसपास की हर घटना को देख रहा होता है, इसलिए जैसे ही इसे लगता है कि खतरा टल गया है तो ये तुरंत उठ खड़ा होता है।